नमस्कार, मैं आपका होस्ट कम दोस्त सौरभ बच्चन और आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल वितर्क की बात, जहां एलेक्सा और सीरी और कुछ कंप्यूटर मशीन्स ने आपके जीवन को कंट्रोल कर रखा है, वहीं पे अपने हाथों की कलाकारी को एक युवक ने अपनी रोजी रोटी बनाए रखा है। और ऐसे ही एक चित्रकार, एक पेंटर की कहानी को बयान कर रही है विष्णु जी की रसोई। अगर आप भी दीवाने हैं पेंटिंग के या AR रहमान की मूवीज में बसती है आपकी भी जान, तो जरूर एक बार देखें पॉप आर्ट एक्सपो श्रीमान। न जरूरत है लोगों की, न जरूरत है दाद की, एक कलाकार की चाहत उसके रंगों वाले ख्वाब की। मैं सौरभ बच्चन जुड़ चुका हूं आपसे विदर्भ की बात पर, और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जो विष्णु जी की रसोई से पॉप आर्ट का एक बेशुमार नमूना हमें दिखाने के लिए उद्यत है। तो आइए बात करते हैं प्रवीण कावेरी जी से। नमस्कार, मैं प्रवीण कावेरी और मैं चंद्रपुर से हूँ, और आप जो पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इस पेंटिंग का टाइटल है AR रहमान म्यूजिकल पोस्टर पेंटिंग। अने AR रहमान सर ने जो मूवी में अपनी म्यूजिक दिया है उसी के पोस्टर मैंने यहाँ पे पेंट किया है। और इस पेंटिंग का जो स्टाइल है उसको पॉप आर्ट बोलते हैं। अने पॉप आर्ट इस बहुत कलरफुल, एकदम ब्राइट कलर इसका दिखने को ये दिखता है पेंटिंग। और इस पेंटिंग यानी ये पोस्टर पेंट करने का मेरा ऐसा मकसद है कि जो पहले जो डिजिटल मार्केट नहीं था, लोग हाथ से पेंट बनाते थे आर्टिस्ट लोग, तो वो सब अभी बंद हो गया है। तो मेरी ऐसी एक कोशिश थी कि वो वापस फिर से वो आर्टिस्ट लोग आए और पोस्टर फिर से हाथ से बनाए, डिजिटल भी रहे और वो जो पुराना जो सब बंद हो गया है वो भी फिर से चालू हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी पेंटिंग है, तो आप एक एक पेंटिंग देखेंगे तो एक एक पेंटिंग के कलर्स और एक एक पेंटिंग का जो मैसेजिंग है वो पिक्चर के माध्यम से मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। कि मन में ये कहाँ से आया कि कैसे ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी ये पेंटिंग बना सकता हूँ? ये जो पेंटिंग है इसको मैंने बताया कि पॉप आर्ट बोलते हैं। तो ये पॉप आर्ट मीन्स अभी यंग जनरेशन को बहुत आकर्षित करता है। और पहले तो इसके पहले मैं और एक सब्जेक्ट पर काम किया, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर ज़िले के जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है उसके ऊपर मैंने पॉप आर्ट बनाया, और वो काफ़ी हिट हुआ है। यानी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, यंग जनरेशन ज़्यादा काफ़ी मात्रा में यंग जनरेशन को वो पसंद आए। तो वो मैंने 5-6 साल उस पर काम किया, और उसके बाद मैंने जब सोचा कि और क्या कर सकते हैं, यानी कुछ अलग, यानी हेरिटेज छोड़ के कुछ और क्या कर सकते, तो मैं जैसे कि बचपन से मैं रहमान सर के म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो रहमान सर से जुड़ा हुआ कोई यानी अगर ऐसा पेंटिंग के माध्यम से अगर कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके जो यानी उन्होंने जो म्यूज़िक दिया है, जिस मूवी में उन्होंने म्यूज़िक दिया उसी के पोस्टर मैंने पेंटिंग बनाना चालू किया है। सबसे पसंदीदा गाना जो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रंग दे बसंती, एक मूवी का पोस्टर है, उसमें जो लुक्का छुपी लता मंगेशकर जी का जो गाना था वो काफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। कुछ देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, कुछ मूवी के पोस्टर है, लगान है, रंग दे बसंती है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, स्वदेश है, तो वैसे ही मैंने एक अपने तरफ से यानी रहमान से और रहमान की मम्मी से जुड़ा हुआ एक पेंटिंग मैंने बनाया, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे। पेंटिंग बनाने का मकसद ये है कि एक्चुअली रहमान सर के जो मम्मी का जो फेस दिख रहा है यहाँ पे, वो मुझे गूगल से मिला है, तो वो कलरफुल था, तो मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट किया। ब्लैक एंड वाइट इसलिए किया और रहमान सर को कलरफुल बनाया, यानी उनकी मम्मी ने जो रहमान सर को इतना बड़ा जो बनाने के पीछे उन्होंने जो यानी संघर्ष किया है, तो वो उसको मैंने इसलिए ब्लैक एंड वाइट में दिखाया। तो मैंने अपने बेटों को कलरफुल बनाने के लिए खुद बहुत बड़ा यानी उन्होंने एक संघर्ष किया और बहुत
जैसे कि बहुत कुछ उन्होंने त्याग किया है यानी अपने बेटे को कलरफुल बनाने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट रह जाते हैं लेकिन हाँ, बच्चों की जिंदगी में अपने रंग भर, रंग भर दिया। तो वैसा एक मैसेज छोटा सा देने की कोशिश किया मैंने इस एग्जीबिशन में। नागपुर वासियों को मैं दिल से निवेदन करता हूँ और काफ़ी मात्रा में लोग आए और मेरे इस पेंटिंग एग्जीबिशन को देखे और यहाँ पे जैसे कि विष्णु जी की रसोई में ये डिस्प्ले हुआ है और मैं विष्णु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया अपने पेंटिंग प्रदर्शन करने का। और मैं विदर्भ की बात चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जान रे जान रे, इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन।